हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी लैंग्वेज को सिखाने के हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय दोस्तों, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। मैं बीपीएस एकेडमी की तरफ से आपका ट्रेनर हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी लैंग्वेज सिखाने का महत्व क्या है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिंदी लैंग्वेज आर नोइंग ऑब्जेक्टिव, नो स्किल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले नॉलेज ऑब्जेक्टिव है कि हमें ज्ञान होना चाहिए हिंदी भाषा का, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। स्किल ऑब्जेक्टिव, हम उसके थ्रू काफ़ी स्किल सीख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम उसको लेकर कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, हमारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसे कि कविताएं लिखना, कुछ छंद लिखना, ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। फिर होता है एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव, हिंदी भाषा सीख के, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हिंदी भाषा सीख के हमारे व्यवहार में, हमारे एटीट्यूड में भी परिवर्तन आता है। सबसे पहले आता है नोइंग ऑब्जेक्टिव। नोइंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ सेइंग एंड प्रोब्स, मुहावरे और सेइंग्स का मतलब समझना। नॉलेज ऑफ पोएट्री, स्टोरी, ऐसे का नॉलेज होना, ड्रामा का नॉलेज होना। इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल साइंटिफिक फैक्ट्स, जो ऐतिहासिक फैक्ट हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, जो भौगोलिक फैक्ट हैं, उनको जानना। नॉलेज ऑफ फोनिक्स, साउंड कैसे वर्क करता है, फोनिक्स कैसे वर्क करता है, उसकी नॉलेज देना। नॉलेज ऑफ इमेजिनेशन, हमारी जो इमेजिनेशन है, कंपेनियन है, एनालिसिस है, उसका नॉलेज लेना। नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, क्या मात्राएं होती है, क्या खड़ीपाई होती है, उसका नॉलेज लेना। नॉलेज ऑफ लिटरली एंड एस्थेटिक आस्पेक्ट, पढ़ाई के और लिटरली और एस्थेटिक एस्पेक्ट का नॉलेज लेना। स्किल ऑब्जेक्टिव, अब हमारे जो स्किल ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ ग्रास्पिंग, फीलिंग एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे अंदर ये वो विकास हो कि हम कोई चीज़ों को समझ पाए, ग्रास्प कर पाए, उनको फील कर पाए, उनको एक्सप्रेस कर पाए। फिर वही डेवलपमेंट ऑफ एडिजम एंड प्रूफ्स, जो मुहावरे होते हैं, जो कहावतें होती हैं, उनको समझना, उनका विकास करना खुद के अंदर, उनको उसको भाषा में लेके आना और बोलचाल की भाषा में उपयोग करना। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ इवोल्यूशन, हम जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो इवोल्यूशन हो रहा है, हमारा जो विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट होना, उसकी क्षमता का विकास होना। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ करेक्ट एंड रिदमेटिक प्रोनाउंसिएशन, हम सही भाषा बोलें, सही शब्द बोलें, सही तरह से बोलें, सही रिदम में बोलें, इसका विकास होना। इसके बाद इसके अंदर हिंदी सीखने का उद्देश्य है कि हमारा विकास होता है बोलने का, हम जो अपने आप को बोल के प्रभावित करते हैं, हम अपने आप को बोल के जो समझाते हैं, उसका विकास होना, उस कला का विकास होना। फिर डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ रिदम, एसेंट एंड डिसेंट ETC, जो हर भाषा का एक एक्सेंट होता है, उसका एक डिसेंट होता है, उसका विकास करना, उसका बोलने के तरीके में विकास करना, ताकि शब्दों में कब जोड़ दिया जाता है, किस शब्द का क्या मतलब होता है, उन सब चीज़ों का विकास होना। इसके बाद आता है क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव। क्रिएटिव ऑब्जेक्टिव में आते हैं एनकरेजमेंट टू क्रिएटिव, वही मैंने जो अभी पहले बताया आपको कि कविताएं लिखना, स्टोरी लिखना, लेटर लिखना, डायलॉग लिखना, नॉवल लिखना, ये क्रिएटिव चीजें लिखने के अंदर आपको प्रोत्साहन मिलता है। एनकरेजमेंट टू सेल्फ फीलिंग एंड सेल्फ स्टडी, हमें एनकरेजमेंट मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम खुद से पढ़ें, खुद से समझें, खुद से महसूस करें, हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, कलात्मक जो हमारी चीजें होती है उसमें विकास होता है। हम अगर हिंदी में हम अगर हमारी हिंदी अच्छी होगी तो हम ओरिजिनल आइडियाज का विकास कर पाएंगे। और इसके बाद हम इंट्रोडक्शन होता है हमारा, अलग अलग तरह की लेखनी में, अलग अलग तरह की सोच में, हमारे इमेजिनेशन में, जो अलग अलग तरह के हिंदी में लिखी गई चीज़ें हैं उनको पढ़ के समझना। इसके बाद आता है एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव। अब जब हम एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है स्टडी ऑफ बुक्स बिसाइड दूस प्रिस्क्राइब्ड, जो हमें पढ़ने के लिए किताबें बताई गई है, उसके अलावा भी बहुत सारा लिटरेचर है जो हम पढ़ सकते हैं। मैनेजिंग लिटररी एंड एजुकेशनल फंक्शन, अब जो एजुकेशन एजुकेशनल फंक्शंस होते हैं, एजुकेशन जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो शैक्षणिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो कैसे वर्क करती है, उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। यूज़ ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी को यूज़ करना, लैब को यूज़ करना। कल्चर सिविलाइजेशन, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो सिविलाइजेशन है, उसको पढ़ना, उसको समझना। लिटरेचर में इंटरेस्ट डेवलप होता है अगर हमें हिंदी आती है तो। स्कूल में जो मैगजीन छपती हैं, स्कूल में जो आर्टिकल छपते हैं बच्चों के, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो अगर आपको हिंदी आती है तो।
आपके विचारों को लिखना, आपके थॉट्स को पोइम के रूप में लिखना, स्टोरी के रूप में लिखना, और फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है स्कूल के अंदर, उसके अंदर भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हिंदी के ऑब्जेक्टिव हैं हिंदी सिखाने के। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं हर समय कमेंट बॉक्स में रिप्लाई शायद नहीं कर पाऊँ, पर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने का। तो थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।